मेरे सैंड कैसल्स। मैं हूँ ऑलवेज राइट और करता हूँ राइट काम के लिए पहल, इसलिए ये है मेरा थकेला स्थान महल। और ये है पकेली हवेली जिसका मालिक है पकेला। वो कोई काम नहीं करता पूरा, इसलिए ये सैंड कैसल बना है अधूरा। जो करते हैं पापी की नाक में दम, सबक का घूंट देते हैं उसे पिला, ये है हमारे महान भूत बॉस का भूत भूतिया किला। भूत बॉस के साथ थकेले पकेले का रिश्ता है अटूट। मेरे बनाए ये सैंड कैसल कभी नहीं सकते हैं टूट। मेरा महल पकेला, मैंने इस सैंड कैसल को इतनी मेहनत से बनाया था, तू ऐसे कैसे तोड़ सकता है? हाँ पकेला, हाउ डे यू। वेरी सिंपल, ऐसे। किसी की मेहनत पे पानी फेरना गलत बात है पकेला, गलत बात, वेरी रॉन्ग। हाँ तो मैंने पानी कहाँ फेरा, मैंने तो मेहनत को तोड़ा है ना। मैंने कितने प्यार से हम तीनों के लिए एक सैंड कैसल बनाया था पकेला, हम तीनों के लिए। ओहो, मैं भी कितना शैतान हूँ ना। अच्छा वैसे तूने क्या कहा था, मैं कोई काम पूरा नहीं करता है ना। हाँ और नहीं तो क्या। तो ये ले, कर दिया काम पूरा। काम तो अब शुरू होगा पकेला। तूने मेरे सैंड कैसल तोड़े, अब मैं तुझे सैंड का स्वाद चखाऊंगा, देख लेना। अब ठंडा हो जा थकेला। वेरी नाइस थकेला पकेला, आजकल सुधर गए हैं, शरारत कम करने लगे हैं। इसी खुशी में उन्हें मैं आज केक खिलाने वाला हूँ। कहाँ हैं ये दोनों, दिख नहीं रहे। ये ले। केला गया काम से, अब बॉस को कैसे निकाले। मेरे पास आइडिया है, इस गोले को समंदर में ले जाना होगा। उससे काम बनेगा? पता नहीं पर ट्राई करते हैं ना। देखा काम बन गया। घन चक्कर, छोड़ो मुझे। सब मेरी गलती है। नहीं नहीं, गलती हमारी है बॉस। आप ऐसे क्रेडिट ले रहे हैं बॉस? शट अप। मैंने केक लाने की गलती की थी, जो मैं तुम दोनों को खिलाने के लिए लाया था, पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। बॉस इतनी बड़ी गुले का क्या करेंगे? ये तुम दोनों की सर्विस के लिए है। बॉस इधर ही आ रहे हैं ना? हाँ। अजीब बच्चे हैं आजकल के, स्कूल में वो दोनों परेशान करते हैं और यहाँ तुम दोनों मिल गए हो। सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली हम आपको गिराना नहीं चाहते थे। एक्चुअली इस रस्सी की आंखें नहीं है ना, इसलिए देख नहीं पाई। हाँ क्लियर है, पर तुम्हारी तो है ना। हाँ हाँ बिल्कुल है। एक मिनट, हमारी छोड़िए, आप अपनी आंखों से हमें देख पा रहे हैं? सब लोग आंख से ही देखते हैं, और मेरी आंख है तो देखूंगा ही ना, क्लियर है। अरे नहीं नहीं जनाब, इसका मतलब है हमें सिर्फ वो इंसान ही देख सकता है जो दुखी होता है। दुखी होता है क्या मतलब? मतलब साफ है, हम हैं दुश्मनों के दुश्मन और दोस्तों के दोस्त। थकेला पकेला द फ्रेंडली गोस्ट। गोस्ट भूत मतलब? और इनसे मिलिए, ये है हमारे बॉस, भूत बॉस। कर देते हैं बुराई का लॉस। क्लियर है। आप घबराइए मत, हमें अपना दोस्त समझिए दोस्त। और ये बताइए आपको परेशानी क्या है? मेरा नाम प्रकाश है, स्कूल में मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, क्लियर है। लेकिन अब स्कूल जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ के दो बच्चे जग्गी और स्टैनी ने मेरी नाक में दम कर दिया है। अब देखो चलती क्लास में कैसे बैठते हैं। वन प्लस वन
अरे रुको, चलते क्लास में कहाँ जा रहे हो? सर, रोज इस टाइम ही कैंटीन में गर्मा गर्म समोसे बनते हैं ना, तो वो खाने जा रहे थे। हाँ। रिसेस में खाना क्लियर है, अभी क्लास में बैठो। पर रिसेस तक तो समोसे ठंडे हो जाएंगे। Shut up, go to your seats. क्लियर है? क्लियर है? स्टैनी, तुम ये बताओ कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? अभी सर, टीचर तो आप हो ना, आपको नहीं पता। चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी की। क्लियर है? जग्गी, तुम बताओ गांधी जी अफ्रीका में कब तक रहे? सर, पेज नंबर 25 से पेज नंबर 27 तक। कुछ क्लियर नहीं है। और तो और, क्लास के बाहर भी उनकी हरकतें बंद नहीं हुई। आज तो क्लास में मजा ही आ गया। मैंने कहा था ना जग्गी, समोसे भी खा लेंगे और क्लास में बैठ भी जाएंगे। प्रकाश सर का चेहरा देखा था, रोने जैसा हो गया था, हवा ही निकल गई थी। अब चल उनकी बाइक की हवा निकालते। सर आ गए। बड़े ही खुराफाती बच्चे हैं। टीचर जो हमें पढ़ाते हैं उनका ही ये मजाक उड़ाते हैं। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। आपने इन दोनों की कंप्लेन नहीं की? गया था कंप्लेन करने, पर सर। मिस्टर प्रकाश, आई वाज अबाउट टू कॉल यू। पिछले 3 टेस्ट्स में आपके सब्जेक्ट्स में क्लास ने बहुत पुअर परफॉर्म किया है, उसे लेकर हर पेरेंट कंप्लेंट कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ पढ़ाया ही ना हो। क्लियर है सर, वही तो मैं आपसे कहना चाहता था। वो सर। क्या सर? सर, वो क्लास में स्टैनी और जग्गी, वो दोनों पूरी क्लास को। आज सिर्फ 2 बच्चों के नहीं है, पूरी क्लास का मामला है। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा प्रकाश सर, बच्चों को ठीक से पढ़ाइए। क्लियर है, बट सर वो मैं आपसे ये। अब सुनिए, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, कुछ भी कीजिए, मुझे बेटर रिजल्ट्स चाहिए। यू मे गो नाउ। ओह, वेरी बैड, वेरी। आपकी तो कंप्लेन भी नहीं सुनी गई। बॉस, जब किसी प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन भी ना सुनी जाए, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा। हाँ। प्रकाश सर, आप रोज की तरह कल भी क्लास में जाएंगे, बाकी हम संभाल लेंगे। थक्कू पक्कू, चलो करे पाप खत्म। स्टूडेंट्स, आप सभी के पिछले कुछ एग्जाम्स अच्छे नहीं रहे, लेकिन आज के बाद आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी और एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। ओके, क्लियर है? क्या हो रहा है? क्या हुआ जग्गी, सब क्लियर है? डोंट वरी जग्गी, जब तक है स्टैनी फिकर कोई नहीं। तुम दोनों कौन हो? हम लेट एडमिशन है, थकेला और मैं पकेला। लेट एडमिशन वो क्या होता है? तुम नहीं समझोगे बालक। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले टीचर के साथ फन तो कर लूँ। स्टैनी, जग्गी, लगता है तुम्हें बात क्लियर नहीं है, बहुत मस्ती आ रही है। हाँ, क्लासरूम से बाहर जाओ, डिस्टर्ब मत करो। ये सब क्या हो रहा है आज हमारे साथ? सर, आप ही कुछ जादू मंतर कर रहे हो और हमें परेशान कर रहे हो। शायद वैसे ही जैसे तुम रोज प्रकाश सर को करते हो, साथ ही पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो, टीचर का मजाक उड़ाकर खुद मजे करते हो। वेरी बैड,
वेरी बैड। सर हमें बचा लो। सर ये सब कैसे हो रहा है सर? जब तुम अपने टीचर के साथ शरारत करते हो तब तो बड़ा मजा आता है तुम्हें, अब क्यों नहीं आ रहा? और ये सब बच्चे हिल क्यों नहीं रहे? सब कुछ स्टॉप क्यों हो गया? और आप कौन हो? हम हैं दुश्मनों के दुश्मन और दोस्तों के दोस्त, थकेला पकेला गोस्ट। और ये है हमारे भूत बॉस, कर देते हैं बुराई का लॉस। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप टीचर के साथ ऐसा क्यों करते थे? ओनली फन के लिए। हम भी तो फन ही कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वही जो तुम करते हो अपने टीचर के साथ। क्यों, कैसी लगी हमारी ये काम की बात? तो बोलो, समझ गए? या हम थोड़ा और फन करें? तुम्हारी वजह से सारी क्लास का रिजल्ट भी खराब हो रहा है। अब हमें पता चल गया है, हमें ऐसा फन और शरारत नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे और क्लास डिस्टर्ब हो। जाओ, तुम्हारी पैंट ठीक हो गई है। सॉरी सर। कोई बात नहीं बच्चों, ये तो क्लासरूम गए, अब हम कहाँ जाएं? बॉस हम पहले लंच करेंगे कबूतर खाने के टॉप फ्लोर चमन चौकड़ी और उसके खोपड़ी के साथ। उसके बाद हम डिनर करने जाएंगे चुड़ैल मौसी के शैतान परपोते भूता सिंह के पास। उसी ने अपने 13 नंबर के फ्लैट की छत पर 3 उल्टे बेड सेट कर दिए हम तीनों के लिए। बाय गॉड मजा आ जाएगा। वाह, उल्टे बेड पर सोए काफी दिन हो गए हैं, चलते हैं। इट विल बी फन, लेट्स गो।